नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है और इस भूचाल का कारण है मामा यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर। उन्होंने सार्वजनिक मंच से भी ये कह दिया है कि मामा अब खतरनाक मूड में हैं, माफिया को जमीन के 10 फीट अंदर गाड़ देंगे वो, और ये भी उन्होंने कहा है कि अब पहले जैसी हीला हवाली नहीं चलेगी। और इसका नमूना कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। कलेक्टर कमिश्नर की ये जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे बड़ी बात ये कि ग्वालियर के नगर निगम कमिश्नर जो IAS हैं संदीप माकिन, उनको गंदगी के कारण लोगों के जो शिकायतें थीं कि साहब सफाई कामगारों को वेतन नहीं मिला, तो उन्होंने कचरा उठा के लोगों के घरों में फेंक दिया, खासतौर पर सांसद के घर, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इसके साथ साथ कटनी में भी SP को हटाने की घटना हुई है। इन दोनों घटनाओं से एक बार फिर ये संदेश गया है कि वे इस बार ये नहीं देख रहे हैं कि कौन IAS है कौन IPS है, क्योंकि अमूमन ये होता आया है कि IAS IPS इन दोनों वर्ग के प्रति मुख्यमंत्री कुछ ज़्यादा ही सहानुभूति रखते थे, परंतु इस बार ऐसा नहीं देख रहा है। तो वाकई वो सख्त प्रशासक की भूमिका में हैं या फिर कुछ और कारण है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय, जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात BJP की करूं तो BJP से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, BJP का पक्ष रखेंगे। बात करूं अगर नौकरशाह की तरफ से तो रिटायर्ड IFS अफसर हैं हमारे साथ आज़ाद सिंह डब्बाल जी, वो यहाँ अधिकारियों का भी पक्ष रखेंगे और साथ साथ वो क्या सोचते हैं, अधिकारियों के अलावा अन्य विपक्षी दल क्या सोचते हैं, तो वो राय भी अपनी वो स्पष्ट तौर पर रखेंगे, क्योंकि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संगठन बनाकर लड़ भी रहे हैं, तो यहाँ उनकी मौजूदगी और अहम हो जाती है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर प्रधान साहब आपसे कि जिस तरीके से CM साहब के तेवर दिख रहे हैं, ये वाकई जिसको कहें खतरनाक तेवर हैं या अभी कुछ दिन चलेगा उसके बाद फिर वैसी स्थिति हो जाएगी? देखिए 2018 में सब अच्छे कामों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया था और उसके बाद कांग्रेस स्वयं का शासन ठीक से नहीं चला पाई और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी में 28 विधायक दल बदल के अंतर्गत त्याग पत्र देकर फिर से चुनाव लड़कर जीते हैं। निश्चित ही दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये समझ गए हैं कि थोड़ी भी अगर लेत लाली या ढील दी तो जनता माफ नहीं करती, और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी शक्ति से नियम कानून की रखवाली में मेहनत कर रहे हैं और निश्चित ही माफिया और ये जो पत्थरबाज हैं या जो अवैध रूप से निर्मित चीज़ें हैं उनको तोड़ रहे हैं। अब ये एक आपने बतलाया कि IAS IPS से अच्छे संबंध रखते थे, नहीं मैं इस मत का नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कानून व्यवस्था के साथ किसी ने भी खिलवाड़ किया उसको बख्शते नहीं थे। बिल्कुल, पर एक मैसेज अभी भी जाता है कि अफसरशाही हावी है, मंत्री इसलिए परेशान हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती, जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं या उससे ऊपर के अधिकारी हैं या अन्य जो कुछ उनके अनुयायी हैं, वो सब के सब मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी मंत्रियों के आदेशों की निर्देशों की भी अवहेलना करते हैं। देखिए ब्लू बुक में स्पष्ट निर्देश है कि मंत्री अपने विभाग के हेड होता है, नीति निर्धारित करने वाला होता है, और अगर माननीय मंत्री अपने अधिकारी के खिलाफ कोई टिप्पणी ऑफिशियल कर दें और उसकी जहाँ जहाँ कॉपी भेजना जरूरी है वो भेज दें तो अधिकारी भी समझ जाएंगे, पहले से ऑल इंडिया कैडर के हों या स्टेट कैडर के हों,
कि ये उनकी गोपनीय चरित्रावली में लिखी जा सकती है, पर ये अधिकार हर मंत्री को है, उस मंत्री को अपने अधिकार का इस्तेमाल करना आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर निरंकुशता तो इस हद तक है कई IAS अफसरों की कि वो समझते ही नहीं है नेताओं को कुछ। देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगी कि नेता को भी कुछ मान मर्यादाओं का पालन करना होगा। अगर वो सिर्फ आप कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए या कुछ मैनिपुलेशन शब्दावली तो ठीक नहीं होगी, पर अगर कानून के हिसाब से और जो मानदंड हैं उनके अनुसार निर्देश देंगे तो ना पालन करने वाला अधिकारी कष्ट में रहेगा। नहीं, पर देखने में ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी की बात को भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये कल की ही घटना है, ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर को हटाया गया, संदीप मार्किन को, और इसलिए हटाया गया उनको कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछा कि भाई सफाई कर्मियों को 6 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला, फिर उन्होंने कहा साहब 2 महीने का दे दिया है, फिर उन्होंने कहा नहीं 40 दिन का दे दिया है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा इतना विलम्ब क्यों हुआ, CS को उनने ये कहा भाई इनकी छुट्टी कर दीजिए। अब इतना कहना ही था कि आप इसमें एक दृश्य देखिए, सामने ऊपर विंडो में चल रहा है, इसके कहने के बाद ही, इतना ही कहने के बाद ही जो संदीप मार्किन है वो बैठक छोड़ के ही निकल गई। अगर उन्होंने एरोगेंस दिखाने की कोशिश की तो उसका परिणाम उन्होंने भोगा। नहीं, एरोगेंस क्या, ये तो जब छुट्टी करने के आदेश दे दिए और उनको कह दिया कि भाई इनको हटा दीजिए, तो क्या बैठक छोड़ के चला जाए आदमी, ऐसा होना चाहिए क्या? कोई, मैंने कहा ना एरोगेंस जो उन्होंने दिखाया, हाँ, उसका उन्हें फल मिला? नहीं, फल तो क्या मिला, ट्रांसफ़र है, कोई ऐसा दंड तो दिया नहीं है। यही कोई अगर छोटा कर्मचारी कोई करता या अधिकारी करता तो वो तो सस्पेंड हो जाता। CM की बैठक चल रही है, उसमें और भी सवाल जवाब होने हैं, आप बीच में से ही उठ के निकल लिए। ये देख रहे हैं दृश्य आप ऊपर, ये बार बार जो हम दिखा रहे हैं वो यही है कि वो बीच बैठक से ही निकल लिए। निश्चित ही, अब देखिए ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी है तो उसके ऊपर नाज नखरे तो होंगे ही। नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई बहुत सख्त, अगर उन्होंने अवहेलना की है या बहुत सख्त कानूनी रूप से उद्दंडता की है तो ही मुझे लगता है। नहीं, ये उद्दंडता नहीं है क्या, आपको नहीं लगता क्या? ये मतलब कायदे कानूनों में आता है कि CM बैठक ले रहे हैं और उन्होंने अगर कोई बात कह दी कि भाई इनकी छुट्टी कर दीजिए तो अगला आदमी छुट्टी लेके निकल ले, ऐसा कुछ? तो उसी का तो फल भोग रहे हैं। नहीं, वो तो ऑर्डर उन्होंने दे ही दिए थे, और ये कोई ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट तो है नहीं है। तो क्या संदीप मार्किन इस पर तिलमिला गए या IAS अफसर कुछ समझते नहीं है CM को, बीच बैठक में से ही अगला छोड़ के जा रहा है, ये क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, कई अधिकारी बड़े आत्मसम्मानी होते हैं। तो दूसरे का सम्मान नहीं है, शिवराज जी का कोई सम्मान नहीं है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, उनको सार्वजनिक रूप से इतने कटु शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, उनको नहीं लगा हो, आघातित होंगे। इसमें क्या कटु शब्द हैं भाई, समीक्षा हो रही है और उन्होंने कहा भाई देखिए आपसे ये काम सफाई का है, आपसे वही काम नहीं बन रहा है, तो मतलब आप कमिश्नर हैं क्या देख रहे हैं आप, 6 महीने से वेतन नहीं मिला है सफाई कर्मियों को, और सफाई कर्मियों ने इसी से गुस्सा होके नेताओं के घरों पे कचरा फेंक दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, ये गलत बात कही क्या CM? निश्चित ही, सबसे जो हमारा छोटा कर्मचारी है अगर उसको वेतन नहीं मिलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कदम उठाया। बहुत बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, पर मैं तो इतना जानना चाह रहा हूँ कि इनके लिए कोई अलग कानून है कि बैठक चल रही है और जैसे ही CM ने कहा इनकी छुट्टी कर दीजिए तो उधर से तो छुट्टी बाद में हुई, वो पहले ही छुट्टी लेके निकल ली। ये एरोगेंसी नहीं दिखाता है और ये CM की यही तो उल्लंघन है। तो क्या इसको संगठन या सत्ता देखते नहीं है कि भाई यही कोई अभी छोटा अधिकारी कर देता तो वो सस्पेंड हो जाता था अभी तो तत्काल। देखिए, आपका जो प्रश्न आ गया है, संगठन वाले भी अगर
सोच रहे हो, समझ रहे होंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आजाद जी के, जनरली आपने भी देखा होगा, आप एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश की शासकीय सेवा में रहे हैं और जंगलात महकमे को आपने देखा भी है, तो क्या ये इस तरीके की बैठकें आपने पहले कभी देखी हैं कि किसी ने डांटा वो उठ के निकल लिया, कहने लगे डांटते रहो तुम तो? सर्वप्रथम तो न्यूज ऑब्जर्वर के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। जहाँ तक पंडित जी आपके प्रश्न का उत्तर देने है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दोनों ही बातें हैं। मैंने 32 साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में यहाँ काम किया है। मैंने भी पहले चीफ मिनिस्टर्स को ऐसे बोलते नहीं देखा है, एक कलेक्टर सुन लो, एक कलेक्टर अब ऐसा। चीफ मिनिस्टर को भी अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, तभी आप ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। दूसरा, ये जो सवाल आया कि वो अधिकारी उठ के चले गए, मैं ये कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर को ही हैज गॉट एवरी राइट टू ट्रांसफर हिम। वो बैठक में ऐसा क्या ठसका देने की जरूरत है कि हटाओ जी, छुट्टी करो जी? ये भी इंसल्टिंग है ना, ये भी इंसल्टिंग है। आप हटा दीजिए, बैठक के बाद आप आदेश दे दीजिए, वहीं आप स्लिप भी लिख के दे दीजिए रिमूव इमीडिएटली। लेकिन ये तो जनता को जो मैसेज देने का प्रयास हो रहा है, ये इसका तरीका गलत है। हाँ, संदीप माकिन ने उद्दंडता की है चीफ मिनिस्टर की बैठक में छोड़ के जाने का। अगर मुख्यमंत्री वास्तव में अकेल कसना चाहते हैं तो ट्रांसफर के साथ साथ सस्पेंशन, ट्रांसफर की जरूरत नहीं थी, सस्पेंशन होना चाहिए था। नहीं, पर सिंधिया जी कैंप के वो अब अफसर हैं, हो या कोई भी हो, और उनको लाए तो आप याद देखिए, देखिए पंडित जी, या तो आप सरकार चला लीजिए या आप सिंधिया जी या किसी दूसरे जी को एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको डिलीवर करना है तो कोई जी नहीं चलेगा। बिल्कुल, हमने 13 साल में शिवराज जी का रूल देखा है। अधिकारियों से मिलके मैं कहता हूँ 8-10 वरिष्ठ अधिकारी तो ऐसे थे जो एक किस्म से सरकार का एक किस्म बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से हिस्सा थे, मैं क्या शब्द कहूँ उसके लिए। तो जब इतनी आप लिबर्टी देंगे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को, तो उसका नतीजा भुगता है प्रदेश में, और फिर भुगतेगी प्रदेश, फिर भुगतेगा। ठीक है, ये जवाब प्रधान जी से ले लेते हैं। प्रधान जी, इस तरीके की उद्दंडता अमूमन बैठकों में मान्य नहीं है। आपके यहाँ एक घटनाक्रम हुआ था, याद होगा आपको, उमा भारती जी लालकृष्ण आडवाणी जी को बैठक में भला बुरा कहते हुए छोड़ के चली गई थी, उसके बाद से पार्टी ने भी उनको सस्पेंड कर दिया था। तो ये तो शासन है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब संगठन में आप इतने सख्त हैं तो सत्ता में इतने सख्त क्यों नहीं हैं? आपको लगता है कि ये आईएएस अफसर कुछ नुकसान पहुँचा देंगे, या सीएम चूँकि इसलिए डरते हैं कि सिंधिया जी कैंप से हैं ये माकिन जी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि माननीय आडवाणी जी उस उमा भारती जी का रेफरेंस इस यहाँ कहाँ तक उचित है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संगठन में भी आपके उद्दंडता बर्दाश्त नहीं है। देखिए, वो एक संगठन की अलग प्रणाली है, और ब्यूरोक्रेसी की या प्रशासन की अलग प्रणाली है। मुख्यमंत्री और सख्त सजा की रिकमेंड भी कर सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं, पर हम और आप समझते हैं ये सब ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल स्क्रैप कर देता है। तो वो भी अगर ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए होती है, वो बड़े बड़े क्या मैं कहूँ आरोपों को स्क्रैप कर देती है। नहीं, पर यहाँ आपने वो समय भी देखा होगा, रिकमेंड कर सकती नहीं, अर्जुन सिंह जी का भी नहीं। मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूँगा आपको कि आपने अर्जुन सिंह जी का भी समय देखा होगा, आईएएस उनके कनखियों से देखने से ही घबरा जाते थे, और उनका गुस्सा होना या बोलना तो कुछ अलग ही बात है, अगर उन्होंने कनखियों से ही देख लिया तो समझ लो वो आदमी सस्पेंड हो गया। नहीं,
देखिए, और वो आईएएस अफसरों को भी उन्होंने इसी तरीके से ट्रीट किया, तो क्या तब में और अब में फर्क आ गया है? देखिए, आपने अगर अर्जुन सिंह जी का उदाहरण दिया तो फिर माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी उदाहरण आपको याद है, माननीय पटवारी का भी उदाहरण याद हो, द्वारका प्रसाद जी मिश्रा जी के भी उदाहरण है। देखिए, प्रशासन में जो चुस्ती और जो शक्ति चाहिए, शक्ति होती थी पहले, आज है कहाँ? बहुत बड़ी बात आपने कही। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा डबा साहब, आप चूँकि एक संस्था भी चलाते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो अव्यवस्थाओं के खिलाफ है, नागरिकों को अधिकार दिलाने की हिमायत करती है आपकी संस्था, तो ये इस तरीके की जो प्रवृत्ति अधिकारियों में पनप रही है, छोटा कोई कर्मचारी हो, जब यही कमिश्नर रहते हुए अगर नगर निगम के किसी कर्मचारी की बैठक लेते हैं या अन्य जिले के कर्मचारियों की बैठक लेते हैं तो किस लहजे में बात करते हैं आपने देखा होगा शायद, तो क्या ये अपना डेकोरम भूल जाते हैं उस समय कि ये भी फिर वैसे ही बात करें, फिर क्यों बुरा लगता है उनको? नहीं, दरअसल क्या है, देखिए, आचरण तो दोनों तरफ से देखा जाएगा। मैं कहता हूं कि कल एक सफाई का मसले पे एक कार्रवाई हुई, एक पर रेत का सुनने में आया कि सब रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन उससे एसपी से हटाने से काम थोड़ी चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि सीहोर में मुख्यमंत्री जी के जिले में सबकी नाक के नीचे, उनकी खुद की नाक के नीचे अवैध उत्खनन हो रहा है, पूरी नर्मदा नदी में, कहा नहीं हो रहा, क्या भिंड मुरैना में नहीं हो रहा? जो भी नदियां हैं आज प्रदेश की, एक भी नदी सुरक्षित नहीं है। आप अपने यहाँ आपका अवैध उत्खनन चलता है वो मान्य है, और कटनी में अगर चल रहा है तो वो मान्य नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं भ्रष्टाचार के प्रति वास्तव में जीरो टॉलरेंस मैं विश्वास करता हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, खासतौर से तो पिछला टर्म गया उसमें तो करप्शन ही करप्शन था, और अगर हर विभाग में करप्शन हो रहा है, इंक्लूडिंग माय डिपार्टमेंट, और करप्शन ही करप्शन था, और जब हर विभाग में करप्शन हो रहा है तो जो इमेज जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट पॉलिटिकल मास्टर है, जो जिसकी पूरी ताकत है जिसके हाथ में, नहीं तो उन्होंने कहा ना मंच से कि अगर कोई माफिया कोई ऐसी गड़बड़ करेगा तो वो जमीन के 10 फीट नीचे गाड़ देंगे। ये कहना, ये देखिए, कहना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और नहीं, कह मैं तो कह रहा हूँ कि हर विभाग में आज भी हर विभाग में करप्शन हो रहा, नहीं रुकेगा। इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि उनकी असली मंशा नहीं है मुख्यमंत्री जी की। नहीं तो अभी रिसेंट केस आया है, मैं आपको एक केस कोट कर देता हूँ, अभी आया CBDT के माध्यम से, है ना, चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से 64 MLOs का नाम है, 4 अधिकारियों का नाम है, झिझकते एक प्राथमिकी, 4-3 IPS अधिकारी, एक स्टेट पुलिस अफसर के खिलाफ, क्योंकि आज जवाब दे रहे होंगे चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम चुनाव आयोग में, तो इतनी सी कार्रवाई हुई। आप इसी पे, मैं मुख्यमंत्री जी को मान जाऊंगा कि अगर वो इसी ये जो प्रकरण जो कमलनाथ जी की सरकार के खिलाफ आया है, जिसमें नाम आए हैं, जिसमें 280 करोड़ का लेन देन आया है, इसी में जांच करा दें। EOW को बोला, EOW क्या है? मुख्यमंत्री का थाना है EOW, इसी EOW के DG उनके खिलाफ अभी PE में नाम आया है, इसी EOW के DG खिलाफ, तो क्या आप अपेक्षा करेंगे ऐसी जांचों का? आप मनी ट्रैप जांच करा कर बता दीजिए मुझे, कांग्रेस के लोग भी हैं और BJP के लोग भी हैं और अधिकारी भी हैं, तो बातें कुछ भी करने से स्टेज से पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए ये सोचते हैं कि बहुत भोली वाली जनता है, इसको आप यहाँ से कैसे भी आंको, पब्लिक सब जानती है। और एक कहावत है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 13 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें करप्शन के खिलाफ आपने कुछ नहीं किया, और आप अभी भी ऐसा ही आप चलेंगे, और थोड़े बहुत दिन देखिए दिखावा हो सकता है किसी पॉलिटिकल और कोई ऐसा प्रेशर बन रहा हो कि आप कुछ डिलीवर करके दिखाओ, नहीं तो कुछ और चेंजेस इंटरनली आप मुझसे बेहतर समझते हैं, पार्टीज में जो इक्वेशन बदली है, खासतौर से जो लोग कांग्रेस के इधर से उधर हुए हैं, जो एक बड़े पैसे का लेन देन सुनने में आया है, और उसी का एक हिस्सा प्रूव भी हो गया, रिपोर्ट में आ गया,
तो भी जांच नहीं करवा रहे, बोला दे दिया हमने, आप देख लीजिए एक साल के बाद भी हम डिबेट करेंगे अगर कुछ इसमें निकल जाए। चलिए प्रधान जी, यहाँ एक बात और उठ रही, जैसा कि आजाद जी बता रहे हैं, ये तो चूंकि कांग्रेस में रह चुके हैं, प्रवक्ता भी रह चुके हैं वहाँ के, और एक पिछड़ा वर्ग के संयोजक भी रहे हैं वहाँ की एक विंग के, ये खुद ही कह रहे हैं कि अगर लेन देन हुआ है तो कमलनाथ जी पर और इन पर भी तो FIR होनी चाहिए, इनकी भी जांच हो जाए, लगे हाथ। क्या दिक्कत है, अब तो आपकी सरकार है बीजेपी की, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? देखिए बात बिल्कुल, मैं लवा साहब की बात से असहमत तो नहीं हूँ, पर अगर एक बार और जांच हो जाए तो उसमें क्या तथ्य बदल जाएंगे? हो सकता है इनका ये कहना है कि अगर सभी ब्यूरोक्रेट्स या पूरा धान ही खराब है तो फिर क्या करेंगे आप? सब आपको नहीं तो कार्रवाई करिए ना, अगर अगर कमलनाथ के खिलाफ ये एविडेंस मिल रहे हैं, क्योंकि आपके नेता तो बड़े जोर जोर से चिल्ला भी रहे थे कि साहब कमलनाथ ने गड़बड़ियां की हैं, और आपके कई नेताओं को ठिकाने भी लगा दिया उन्होंने फर्जी जांचें करा कर रुके, तो अब तो मौका आपका है, आपकी सरकार क्यों डर रही है? देखिए कोई नहीं डर रही हमारी सरकार, पर जांच हो रही है और नतीजा आएगा। पर नतीजा आपको नहीं लगता कि अभी तक तो कमलनाथ जी खिलाफ FIR तक की भी बात नहीं हो रही है? देखिए प्रकरण तो अभी दूर की बात है। देखिए अगर माननीय कमलनाथ जी दोषी पाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये माननीय ना तो शिवराज जी की है ना VD शर्मा जी की है, ये मोदी जी की सरकार है, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उधर से निश्चित ही कोई निर्देश आएंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कही है और बड़ी बात कही है। यहाँ डबास जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कमलनाथ जी CM रहते हुए घोटाले करते हैं, करोड़ों रुपए कांग्रेस कार्यालय को भेजते हैं, आप चूंकि उस समय कांग्रेस में थे, आपने समस्याएं उठाई वहाँ की और उनको आईना दिखाया तो उन्होंने आप ही को बाहर कर दिया, आपको क्या लगता है अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है कमलनाथ पर नहीं हो रही है, तो मतलब इसमें कहीं नूरा कुश्ती चल रही है या फिर सिर्फ औपचारिकता निभाने की बात है? 100% नूरा कुश्ती है। जब कमलनाथ जी के दो दो एडवाइजर नामजद हैं उसमें पैसा का लेन देन में, तो वो क्या एडवाइजर अपने लेवल पे पैसा ले रहे थे क्या? क्या वो इतने ताकतवर थे कि वो अपने लेवल पे ले रहे थे? और एक एडवाइजर तो क्या था, सब इंस्पेक्टर था कुछ समय पहले, कहां से वो एडवाइजर के लेवल पे पहुंचा, किसके किसकी सीढ़ी चढ़ के पहुंचा? पहले झाबुआ के नेताओं के, उससे पहले धार में जो माफिया था शराब का उससे, झाबुआ से पार कराते थे, झाबुआ में सब इंस्पेक्टर होते थे ये सो कॉल्ड एडवाइजर एक, उसके बाद से नाम ही बता दीजिए ना कौन है। नहीं नहीं नाम क्या, कक्कड़, अरविंद कक्कड़, ठीक है। और उसके बाद झाबुआ के जो करता धरता थे उनके साथ मिल गए सबसे बड़े नेताओं से, उनके साथ व्यापार किया, फिर इंदौर के बीजेपी के नेताओं से मिल गए, उनके साथ धंधा किया, और फिर जो सरकार को बैक रूम से कांग्रेस की चला रहे थे उनके साथ मिल गए और सलाहकार हो गए और पैसे पकड़े गए, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। दो दो एडवाइजर को के हाथ रेड हुई, पैसा मिला, लिंक मिल रहा है, और आप देख लेना इतना मैनेजमेंट तो पहले ही हो गया, नहीं तो कमलनाथ जी का नाम पहले ही आ जाता। बिल्कुल, इतना मैनेजमेंट तो पहले ही हो चुका है। प्रधान जी क्या कहेंगे, कमलनाथ जी के दो दो एडवाइजर, चाहे वो मिगलानी हो, राजेंद्र मिगलानी या प्रवीण कक्कड़ हो, इन दोनों के नाम आ गए, दोनों बड़े दलाल साबित हो गए, अब इनके प्रति ऐसी मुरव्वत क्यों, क्या है, क्या मतलब सरकार चाह क्या रही है इस पूरे मामले में, दबाना चाह रही है या वाकई इनको सजा दिलाना चाह रही है? देखिए आज ही मैं TV देख रहा था, रॉबर्ट वाड्रा के घर पे ED की सर्च हुई, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कहीं भी फेवर नहीं करना चाहती ना करेगी, रिजल्ट जब उनके सुप्रीम बॉस के दामाद के यहाँ रेड हो रही है तो ये नाथवाद अनाथ ये सब समय का खेल है। बहुत बढ़िया, क्या लगता है दबास जी, आपने देखा
यहाँ प्रधान जी जो है वो बोलने में बड़े बेबाक हैं और सही बात तो बोलते ही हैं कि यहाँ किसी से कोई मुरव्वत नहीं है। तो सवाल ये भी है कि आपको क्या लगता है, सिर्फ अफसर ही अफसर इसमें मोहरा बन रहे हैं, उन्होंने जो कलेक्शन किया सिर्फ उन्हीं उन्हीं के नाम लिए जा रहे हैं, बाकी नेता जो है और खासतौर पर कमलनाथ जो है वो तो पाक साफ बचते नजर आ रहे हैं। मैंने तो आपसे अभी अभी निवेदन किया कि 64 MLA का नाम, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन जो बाजार में खबरें हैं नहीं, पर अभी प्राइमरी तौर पर जो बात आई है, अभी अपन 64 की बात ना करें, अपन कहें केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक जांच रिपोर्ट ली CBDT से और CBDT ने ये कहा कि भाई ये अभी प्राइमा फेसी ये 5 लोग 6 लोग दिख रहे हैं, जिसमें 4 ऑफिसर आ रहे हैं, 2 सलाहकार दिख रहे हैं, ये राजेंद्र मिगलानी और ये आपका प्रवीण कक्का। तो बात ये भी उठ रही है कि आपकी संस्था तो यही भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही है और रिपोर्ट आ गई है, तो पहले इन्हीं की कलई खुल जाए तो वो ये लोग बता ही देंगे किसके लिए कलेक्शन कर रहे थे। ये जो तीन IPS और एक SPS ऑफिसर का नाम, इन्हीं से आप सख्ती से पूछताछ यही बता देंगे, यही बता देंगे किसके हिसाब से पैसा का लेन देन हो रहा था, किसकी सरकार थी, किसके सारे हो रहा था। लेकिन आप एक एक जांच का, एक मैंने बोला ना, UWCM का थाना है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान तीनों मिले हुए हैं और मिलके इस प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। तीनों सिर्फ अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट परसू करने के लिए इस प्रदेश को गर्त में ले जा रहे हैं और ले गए हैं। सामने है सब कुछ, सामने है, एक भी जांच व्यापम से लेके ई टेंडरिंग से लेके छोड़ दिए, संघर्ष पर चले थे क्या, पिछले से पिछले प्रूव्ड केस हैं, उसकी जांचें नहीं मिल रही, एक भी तो आप मुझे बताइए, एक भी। एक छोटा सा उदाहरण दे दो, पेटलावद में ब्लास्ट हुआ था, क्या बोले थे, कुछ निकला? मतलब बड़े अधिकारियों पे ये मिले हुए हैं, अधिकारियों से, अधिकारी नेताओं से मिले हुए हैं और IAS IPS अधिकारी सिर्फ चीफ मिनिस्टर की सुनते हैं और वहीं से अपने, पर सुनते हैं तो यहाँ तो और दूसरा नजारा दिख रहा है ना, जो बैठक उठाते बैठक नहीं बोलेगा, बैठक में जो है वो अवेलना हो रही है आदेश की। आप सुनिए, निर्देश ये है कि 2 साल से पहले अगर किसी अधिकारी को पद से हटाया जाता है तो कारण बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें, ये निर्देश है। तो कारण और IFS के लिए भी कारण बता तो दिया, नहीं बताते, नहीं कुछ नहीं आएगा, बस प्रशासन की दृष्टि से किया है, नहीं बताते, और अधिकारी सोचते हैं 2 महीने चुप बैठे रहो, फिर इधर उधर ले देंगे, फिर सेट हो जाएंगे। बताइए साहब, प्रधान साहब, क्या इसमें पूरी नियम प्रक्रिया का पालन नहीं होता है IAS वाले मामला ही नहीं होता? हम लवाज साहब खुद ही ऑल इंडिया कैडर के अधिकारी रहे हैं, अब दाई हैं ये तो दाई को सब पता है, दाई को सब मालूम है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, इनसे पीठ नहीं छुपाया जा सकता। बहुत बड़ी आपने बात कही है और मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, किंतु एक बात तो तय है कि मामा वाकई खतरनाक मूड में है और उनके इस मूड को देखकर अधिकारी भी हैरान है कि अचानक मामा को यानी शिवराज जी को हो क्या गया है, और जनता भी उनसे यही अपेक्षा करती है कि वे जो बड़े अधिकारी जो शासन की नीतियों का सही ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं करवा पा रहे हैं, आखिर उन पर भी तो कोई जिम्मेदारी तय होना चाहिए, उन पर भी तो कार्रवाई होना चाहिए, तभी तो जनता तक सही लाभ पहुंचेगा उन योजनाओं का जिनके लिए सरकार दिन रात बाजे बजा रही है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, विभाग खबरें निरंतर जारी रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।